स्टार्ट करो गाड़ी। ये देखिए इम्यूबिलाइजर का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, फिर से करो। ये अभी स्टार्ट हो गया गाड़ी, फिर से एक बार करो। अभी फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो किस्मत अच्छा था कि प्रॉब्लम उनको मिल गया। और ये देखिए फिर से इसका प्रॉब्लम है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए ओके, चाबी को हम घुमा रहे हैं, तो फिर से स्टार्ट हो गया। ये कभी कभी वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसमें थोड़ा डायग्नोसिस करने में मजा आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको स्कैन करके। तो स्कैन करने में मुझे ये इम्यूबिलाइजर की मिसमैच का कोड मिला है, और इसका मतलब है कि मेरा चाबी के अंदर जो चिप लगा हुआ है वो सही से काम नहीं कर रहा है या फिर वो ख़राब है। तो इसकी डेटा पहले हम चेक करेंगे, इससे थोड़ा सा और कन्फर्म हो पाएंगे। अरे मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेटा में मेरा ये की स्टेटस इनवैलिड दिख रहा है, और इसी स्टेटस मार्टस जी का स्टेटस आप ला नहीं देख सकते। अब मैं गाड़ी को क्रैंक करके दिखाता हूँ क्या शो करता है। ये देखिए आप, ये नॉट चेक शो कर रहा है की स्टेटस और स्मार्ट ट्री। अभी की स्टेटस इनवैलिड हो गया, ओके फिर से ये इनवैलिड है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और ये बार बार आपको इग्निशन ऑन ऑफ करके रिफ्रेश करके चेक करना पड़ेगा। इसकी स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट है लेकिन ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये कम्युनिकेशन होने के बाद ये लान हो गया, क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट है तो ये की स्टेटस अभी लान दिखा रहा है। ओके फिर एक बार दिखाता हूँ ऑफ करके। यहाँ पे मेरा ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी देखिए फिर से ये की स्टेटस इनवैलिड है। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू DTC एंड डेटा एनालिसिस ये हमें दिखा रहा है कि इसकी जो चाबी है और इमोबिलाइजर की में एक चिप सिक्योरिटी कोड रहता है जो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये गाड़ी में ये ब्लिंकिंग का जो प्रॉब्लम दे रहा है इम्यूबिलाइजर का, ये हो रहा है। लेकिन मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ कि देखिए इम्यूबिलाइजर का केस में जब भी आप डायग्नोस करें, आप इसको ज़रूर अच्छे से इसकी जो सारा लाइन है इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि 90% केस में ऐसा ही होता है कि इम्यूबिलाइजर का कोड कुछ देता है और अल्टीमेटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ दूसरे जगह पर होता है। तो मेरा इस गाड़ी में जैसे कि की मिसमैच का कोड दे रहा है, तो मतलब मुझे ये चाबी में प्रॉब्लम कह रहा है। लेकिन इसमें अगर दूसरा चाबी रहता तो बड़ी आसानी से ये प्रॉब्लम को हम शॉर्ट आउट कर पाते, क्योंकि इस चाबी में प्रॉब्लम में भी हो सकता है। लेकिन जो सेकंड की होगा वो अगर मेरे पास रहता तो मैं उसको भी दे के चेक कर सकता और उसमें क्या कोड आ रहा है ये भी शो कर देता। इससे मुझे बड़ी आसानी से पता चलता कि मतलब चाबी में प्रॉब्लम एग्जैक्टली है या नहीं, क्योंकि सडन टाइम में एक की खराब हो सकता है लेकिन दूसरा जो की है वो खराब नहीं होगा। और अगर दूसरा की डालने के बाद भी सेम कोड आ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इसकी जो लॉक सेट है वो ख़राब है, क्योंकि लॉक सेट में कॉयल एंटेना रहता है और इसका काम है चाबी से जो कोड है उसको इम्यूबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल तक भेजना। तो मैं अभी मेरे पास क्योंकि दूसरा चाबी अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल अगर रहता भी तभी मैं इसका जो लाइन है इम्यूबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल का इसको चेक करता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कोड कुछ देता है और अल्टीमेटली जाके सोल्यूशन कुछ दूसरा जगह से निकलता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो कुछ लाइन चेक करने के बाद और मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों इस गाड़ी में मैंने इम्यूबिलाइजर की पूरा लाइन लॉक सेट से लेके एकदम ECM तक पूरा लाइन को चेक किया, और इसमें एग्जैक्टली मुझे जो प्रॉब्लम मिला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन क्या है कि इसमें एक इम्यूबिलाइजर कंट्रोल मॉड्यूल जिसे ICM कहते हैं उसको भी मैंने खोल के देखा कि इसमें कहीं पर भी कुछ सल्फर डिपोजिशन है या नहीं है। तो इसमें यह बिल्कुल क्लीन मिला मुझे, क्योंकि इससे एक सिग्नल ECM तक जाता है और मुझे एग्जैक्टली ये ECM मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें प्रॉब्लम मिला है। मैं आपको सल्फर डिपोजिशन का जो मतलब निकला है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये दिखा पाऊँ, क्योंकि ये जो सल्फर है ये क्या है कि पूरा क्लियर नीट एंड क्लीन आँखों से तो दिख रहा है, लेकिन कैमरा में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सल्फर जैसा आपको बाहर दिख रहा है वैसा ही अंदर भी इसका ECM की अंदर भी ऐसा ही सल्फर होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि हमको एक बार ये चांस लेना है, हम इस ECM को पूरा खोल के इसको जो सल्फर दिख रहा है हर एक पिन का इसको अच्छा से क्लीन करेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर से,
और उसके बाद ये फिटिंग करने के मतलब करके हम देखेंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुआ कि नहीं। आई होप कि इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसको खोलने के बाद इसको क्लीन करते हैं। तो अभी हम इस सिम की हर एक पिन में जिसमें भी सल्फर डिपॉजिट है उसको थोड़ा सा ये पिन से घिस देंगे ताकि जो सल्फर है वो पूरा क्लीन हो जाए। और ये थोड़ा घिसने के बाद हर एक पॉइंट को अच्छे से घिसने के बाद देखिए मैं आपको पहले सल्फर थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो सल्फर है वो घिसने के बाद इस तरह से आएगा। ओके तो ये हर एक पॉइंट को घिसना है मुझे। अभी हम यहाँ पे इसी हम के पिन में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर ये स्प्रे का यूज़ करेंगे और इससे ये बहुत ही मतलब बढ़िया रहता है क्योंकि सल्फर डिपोजिशन के केस में आप जब भी सल्फर को क्लीन करें तो इससे करना मेरे लिए तो ये बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है। और ये जैसा कि मैं पहले किया उसी तरह से फिर एक बार इसमें हर एक पॉइंट में थोड़ा सा इसको घिस देंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कुछ रह गया हो तो वो भी निकल जाए। ओके और अच्छा और एक चीज़ जैसा कि ECM के हर एक पॉइंट में ये क्लीन होगा वैसा ही आपको ये जो जैक इसमें जो कपलर लगता है ये कपलर में भी वो थोड़ा सा स्प्रे कर देना है ताकि जो सल्फर इस तरह डिपॉजिट हुआ है वो आपका जैक की तरह भी ना हो। ओके अब देखिए ये बिल्कुल मेरा क्लीन हो गया है। अब इसको फिटिंग करते हैं गाड़ी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ECU स्टेटस की स्टेटस और स्मार्ट थ्री का स्टेटस अभी पूरा लान है। और पहले जो यहाँ पे इग्निशन ऑन ऑफ करने में प्रॉब्लम हो रहा था साइड लाइट जला देता हूँ हाँ तो ये इमोबिलाइजर ब्लिंक कर रहा था। अभी मैं इसको फिर ऑफ कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ आ रहा है बिल्कुल ओके है। एकदम ओके हाँ मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आपके कुछ भी चेंज नहीं किया। मेरा लॉक सेट जो है ये पुराना वाला ही लॉक सेट लगा हुआ है पहले जैसा था। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इस गाड़ी का पहले जो कोड दे रहा था वो अल्टीमेटली जाके ECM में मिला है। और एकदम सिंपल अगर कहूँ तो समझाने के लिए कि कोई अपने आप को या फिर अपने काम को ख़राब नहीं बोलता है, दूसरे के ऊपर हमेशा ब्लेम करते जाते हैं कि उसका प्रॉब्लम है ये ख़राब किया उसने किया। इसी तरह गाड़ी में भी जो ECM है उसने डेटा को रीड नहीं कर पा रहा था और बता रहा था कि की मिसमैच है। समझ में आ रहा है बहुत ही सिंपल कर दिया मैंने इस सिस्टम को। चाबी में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, चाबी का जो कोड है वो ICM तक जा रहा है और ICM का काम है उसको ECM तक भेजना। अब ये दोनों का काम हो रहा था लेकिन ECM डेटा को रीड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसमें सल्फर डिपॉजिट था और ये दिखा रहा है कि मेरा चाबी मिसमैच है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आप अगर इमोबिलाइजर सिस्टम को और अच्छे से थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे मैं कोशिश करूँगा इमोबिलाइजर सिस्टम के ऊपर पूरा डिटेल एक थियोरिटिकल वीडियो बनाने की। बस इस वीडियो में तो मैं इतना ही दिखाऊंगा मतलब दिखा पाया कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम है वो इमोबिलाइजर रिलेटेड अगर होता है तो आपको पूरा लाइन अच्छा से चेक कर लेना है और जब भी इमोबिलाइजर रिलेटेड कुछ भी इशू का डायग्नोसिस करे तो लाइन को बहुत ही अच्छा से बढ़िया से चेक कर लीजिए, नहीं तो आगे जाके आपको ये लॉकसेट वॉकसेट अगर आप चेंज कर देंगे तो बाद में ये न्यूट्रल भी नहीं होगा। वैसे ECM और स्मार्ट ट्रैक एटलीस्ट आप चेक करने के लिए न्यूट्रल करके दूसरा गाड़ी से लगा भी सकते हैं लेकिन लॉकसेट अगर आपने एक बार किसी गाड़ी में टिच कर दिया तो उसको आप बाद में न्यूट्रल नहीं कर पाएंगे तो तब जाके बहुत बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, मैंने कोशिश की आपको ये छोटा सा एक वीडियो दिखाने की। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।